अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची में, कराची का दिल कोरंगी में। ये देख सकते हैं कि इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कराची की बीआरटी। ये है बिलावल जरदारी साहब की बीआरटी कराची की। इसका अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कितनी माशाल्लाह खूबसूरत ये बीआरटी बनी हुई है और ये पूरे रूट पर चलती है। इसमें बच्चे, फैमिली, बुजुर्ग, खवातीन सब बैठते हैं। ये हमारे कराची की बीआरटियां हैं जो कि बिलावल जरदारी साहब ने हमें 12 साल दौरे हुकूमत में ये तोहफे में दिए। ये है हमारे कराची वालों का नसीब। ये है हमारी कराची की बसें जिसमें आवाम दिन रात सफर करती है। आज हम कराची वालों का क्या कसूर है? हमारा कसूर हमें कोई बता देगा? हमारा कसूर यह है कि ये 12 साल से ये चोर, ये करप्ट हुक्मरान हम पर जो है वो डाल दिए गए हैं। आज लाहौर में आप देखें किस तरह की बसें चल रही हैं, पेशावर में बीआरटी देखें आप जो इफ्तदाई, और ये कराची की हमारी बसें देखें। ये हाल है कराची वालों का। आज हम जान बूझ के इस बस में आए हैं, सफर कर रहे हैं आपके आवाज के साथ, ताकि लोगों को पता चल सके कि सिंध हुकूमत ने 12 सालों में कराची की आवाम को क्या दिया है, सिंध की आवाम को क्या दिया है। एक एम्बुलेंस ना दे सके, ना एक बस दे सके। हर साल आता है कि नया कोई वजीर आता है, नए झूठ बोलता है, नई कहानियां आवाम को देता है, नए ख्वाब दिखाता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन आखिर में ये है कराची वालों की किस्मत। बाबा जी, आप इसमें कब से सफर कर रहे हैं बस में? 15-17 साल। क्या किराया? 15-17 साल में कोई फर्क आया? कोई बसें अच्छी आई या यही है? 15-17 साल से आपको सफर किया? 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अच्छी बस दी इन्होंने? नहीं, कोई भी नहीं, ये इसी में आते जाते हैं। पेशावर में आपने परसों देखा बसें चल गई? बीआरटी गया, निजाम बन गया उधर। कुछ उम्मीद है आपको इधर? देखें ये बस का हाल देखें आप। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो एपीसी जो है अनाउंस कर रहे हैं और हुकूमत को गिराने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने शहर का हाल तो देखें जहां 12 साल से इनकी हुकूमत है, एक बस दे नहीं सके आवाम को। इस बस का हाल देखें, रोडों का हाल देखें। ये है पीपल्स पार्टी की 12 साल की कारकर्दगी।